हमें अंडर रूट में दिया गया है, ए प्लस बी अंडर रूट एक्स रेस टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स रेस टू बी स्क्वायर, देन इंटू बी प्लस सी अंडर रूट एक्स रेस टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स रेस टू सी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए अंडर रूट एक्स रेस टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स रेस टू ए स्क्वायर दिया है। ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, ये आपके चैप्टर में कोई क्वेश्चन है। जैसे आपको पता होगा जो अंडर रूट आपको टू को अगर देते हैं तो आप इसको टू रेस टू वन बाई टू ऐसे लिखते हो, तो सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन करना है। देखिए अब मैं करता हूँ, जैसे कि अभी ये आपको पता होगा बेस अगर चाहिए मतलब आप पावर का डिवाइड में हो बेस तो आप सेपरेशन करते हो। जैसे कि मैं करता हूँ एक्स रेस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन अब इसको टू अगर यहाँ पर टू है तो इसको वन बाई टू लिखते तो वैसे ही आपको वन बाय ए प्लस बी लिख लेना है, देन इंटू को इंटू में और ऐसे आपको करना है एक्स रेस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन बी प्लस सी है तो इनको इंटू वन बाय बी प्लस सी लिख लेना है, देन इंटू का इंटू आपको लगा देना है, देन आपको एक्स रेस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन आपको इंटू वन बाय सी प्लस ए लिख लेना है। तो आपको फिर से कोई नहीं है, देन आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कि आपको प्रॉपर्टी पता होगी, मैं लिख रहा हूँ एक्स रेस टू ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ही आपको लिख लेना है एंड इंटू में वन बाय ए प्लस बी इंटू एस रेस टू ए बी माइनस सी गए बी स्क्वायर, आप ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी है बी माइनस सी बी प्लस सी लिख लेते हैं बी माइनस सी बाद में बी माइनस सी लिख लेंगे, देन इंटू बी प्लस सी लिख लेना है, देन इंटू में एक्स रेस टू सी माइनस सी प्लस ए, देन सी माइनस ए डिवाइड बाय वन बाय सी प्लस ए आपको लिख लेना है, देन इंटू करने के बाद एक्स रेस टू ए प्लस बी एंड ए प्लस बी कैंसिल सेम होने के कारण कैंसिल इंटू में सब लोग, देन हमको ए माइनस बी इंटू एक्स रेस टू बी प्लस सी कैंसिल एक्स रेस टू सी बी माइनस सी, देन इंटू एक्स रेस टू सी प्लस ए कैंसिल सी माइनस ए, अभी बेस सेम है इंटू में तो आप पावर का एडिशन कर लो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, देन एक्स रेस टू हमें देखना है क्या कैंसिल होता है माइनस बी प्लस बी कैंसिल ए माइनस ए कैंसिल माइनस सी प्लस सी कैंसिल एक्स रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन। आइए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, देन एक्स रेस टू बी डिवाइड बाई एक्स रेस टू सी होल के बाद बी प्लस सी माइनस ए दिया गया इंटू एक्स रेस टू सी डिवाइड बाई एक्स रेस टू ए इंटू ऊपर सी प्लस ए माइनस बी दिया गया इंटू एक्स रेस टू ए डिवाइड बाई एक्स रेस टू बी ए प्लस बी माइनस सी दिया गया। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हम एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आपका पूरा आंसर हो जाएगा, मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि हम एक्स रेस टू बी एंड डिवाइड बाई एक्स रेस टू सी है तो आपको सिंपली आपको फॉर्मूला पता होगा एक्स रेस टू बी माइनस सी क्लिक करना है, बाद में इंटू बाकी इसको एज इट इज हम लिख लेंगे बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स रेस टू सी माइनस ए एज इट इज, इसको भी एज इट इज लिख लेना है, कुछ नहीं करना है इसको, सिर्फ आपको एज इट इज छोड़ देना है क्योंकि ये फॉर्मूले के बेस के अंदर आता है, तो हम लिख लेते जल्दी जल्दी ए माइनस बी देन ए प्लस बी माइनस सी, देन कुछ नहीं इसका भी सिंपल सा सवाल है ए बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए, ये आपको कुछ मैचिंग मैचिंग लग रहा होगा, ये कुछ नहीं है आपका, ये सिर्फ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है जो ये पूरा आ जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि ए माइनस बी एंड आपको कुछ नहीं सिंपल से देन ए प्लस ए बी का जो कुछ होता है बी प्लस सी, जैसे कि हम लिख लेंगे बी माइनस सी ऐसा है, देन हमको कंटिन्यू करना है। अभी आगे बताता हूँ और देन और एक्स रेस टू बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए है, देन एक्स रेस टू बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला है, देन आपको लिखना है इंडो में एक्स रेस टू सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला है, ये पूरा बेस है, बेस पे जो फॉर्मूले के बेस पे आपको ऊपर का दिया गया है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन का यूज करना आना चाहिए गाइस, कुछ नहीं बाकी सिंपल का क्वेश्चन है, देन आपको आगे क्या हो जाए एक्स रेस टू बी क्यूब यहाँ पे देखिए आप बेस सेम है तो पावर का हम जो हर बार क्या करते हैं एडिशन, तो एडिशन कर लीजिए, वो सिंपल सा क्वेश्चन था कुछ नहीं है इसमें, देन सी क्यूब माइनस ए क्यूब एंड प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए जो कट होता है इसको कट कर देती है, जो रहता है उसको रहने दीजिए माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल
प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, एक्स रेज टू जीरो इज इक्वल टू वन, ऑप्शन नंबर। आइए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं इसका कुछ हार्ड करना होगा, जैसे कि हमको कुछ कुछ करना है। यहाँ पे वन बाय वन प्लस जेड रेज टू ए माइनस बी प्लस जेड रेज टू ए माइनस सी दिया गया है, एंड सेकंड में प्लस वन बाय वन प्लस जेड रेज टू बी माइनस सी प्लस जेड रेज टू बी माइनस सी दिया गया है, प्लस वन बाय वन प्लस जेड रेज टू माइनस सी माइनस सी प्लस जेड रेज टू सी माइनस बी दिया। आपको कुछ नहीं इसमें से कुछ कॉमन निकलते देखना है, इसलिए आपको वन की जगह जेड रेज टू ए माइनस ए पुट करना है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जैसे कि हम वन के यहाँ पे इसकी जगह हम जेड रेज टू ए माइनस ए पुट करेंगे, बाद में हम लिख लेगा बता रहा हूँ, ए माइनस बी प्लस जेड रेज टू ए माइनस सी। अगर हमने लिख लिया तो होगा क्या, आपको जेड रेज टू ए ए ए दिख रहा है तो जेड रेज टू ए अपने को कॉमन निकलेगा, और कॉमन निकलने के बाद इसको हम ऊपर भेज सकते हैं। ये इसके लिए हम जेड रेज टू ए माइनस ए लेते हैं, और आपको कुछ दिखाऊंगा। आप यहाँ आगे आगे देखिए, वन पे वन की जगह यहाँ पे बी बी का ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए बी माइनस बी हमको यहाँ पे ले लेना है, बी माइनस बी प्लस जेड रेज टू बी माइनस सी प्लस जेड रेज टू बी माइनस ए, देन हमको लिखना है आगे प्लस वन बाय जेड रेज टू सी सी ज़्यादा, इसलिए हमें जेड रेज टू सी माइनस सी प्लस जेड रेज टू सी माइनस ए प्लस जेड रेज टू सी माइनस बी हमें लिख लेना है। देन आगे का हम बताता हूँ, अभी जेड रेज टू ए हमने निकले इसलिए हम जेड रेज टू ए को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे जेड रेज टू ए, फिर अंदर बचेगा क्या, जेड रेज टू माइनस ए प्लस जेड रेज टू माइनस बी प्लस जेड रेज टू माइनस सी, यहाँ पे कॉमन बचता है, और प्लस में ऊपर के नीचे की तरफ जेड रेज टू बी कॉमन ले लेते हैं, देन जेड रेज टू माइनस बी प्लस जेड रेज टू माइनस सी प्लस जेड रेज टू माइनस ए कॉमन निकलता है, देन प्लस वन डिवाइड बाई जेड रेज टू सी कॉमन लेने के बाद जेड रेज टू माइनस सी प्लस जेड रेज टू माइनस ए प्लस जेड रेज टू माइनस बी कॉमन निकलता है। देन हमें कुछ नहीं आगे सिंपली करना क्या है, वन बाय जेड रेज टू ए था तो उसको जेड रेज टू ए को ऊपर भेजना है। देन आपको पता होगा अगर हम ऊपर भेजते हैं किसी भी वेरिएबल को तो उसका पावर चेंज होता है, उसका साइन चेंज होता है, जेड रेज टू माइनस ए डिवाइड बाई जेड रेज टू माइनस ए प्लस जेड रेज टू माइनस बी प्लस जेड रेज टू माइनस सी, देन प्लस वन जेड रेज टू बी को ऊपर भेजना है, देन उसका भी पावर चेंज हो जाएगा, देन जेड रेज टू माइनस बी प्लस जेड रेज टू माइनस सी प्लस जेड रेज टू माइनस ए हो ऐसा लिखना है, एंड आगे भी जेड रेज टू सी ऊपर हो जाएगा, जेड रेज टू माइनस सी हो जाएगा, फिर जेड रेज टू माइनस सी प्लस जेड रेज टू माइनस ए प्लस जेड रेज टू माइनस बी। जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सभी बेस में पूरा सेम सेम है, जेड की जेड रेज टू माइनस ए जेड रेज टू माइनस ए जेड रेज टू माइनस ए, देन जेड रेज टू माइनस बी जेड रेज टू माइनस बी जेड रेज टू माइनस बी, एंड इधर भी जेड रेज टू माइनस सी जेड रेज टू माइनस सी एंड जेड रेज टू माइनस ए। अभी बेस सेम है तो हम पावर को एडिशन कर लेंगे, इसके बीच में प्लस का सिंबल है तो हम एडिशन कर लेंगे। अभी मैं करता हूँ जेड रेज टू माइनस ए प्लस जेड रेज टू माइनस बी प्लस जेड रेज टू माइनस सी डिवाइड बाय, अभी भी नीचे हम पूरा सेम है, देन जेड रेज टू माइनस ए प्लस जेड रेज टू माइनस बी प्लस जेड रेज टू माइनस सी लिख लेंगे। अभी ये सब सेम है, सेम होने के कारण ये सब यहाँ से कट हो जाएगा, आएगा आपका आंसर वन, ऑप्शन नंबर सी वन। हम अगली तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि 5.678 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 0.5678 रेज टू वाई इज इक्वल टू 10 देन हमें आएगा ढूंढना है। हम ऑप्शन वाइज हमको दिया गया है, जैसे कि हमें ऑप्शन पहले में दिए गए हैं, ए हमें ये कौन से कंडीशन में सेटिस्फाई होता है ये हमें दिखाना है। जैसे कि ए में हमें दिया गया है वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई प्लस वन बाय जेड इज इक्वल टू वन होता है, या फिर बी में वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई माइनस वन बाय जेड इज इक्वल टू जीरो, एंड सी में हमें दिया गया वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई प्लस वन बाय जेड इज इक्वल टू माइनस वन, एंड डी में हमें दिया गया नन ऑफ दिस। हमें ये देखना है कि हमें ये सेटिस्फाई किस ऑप्शन में होता है, सो हमें कुछ नहीं सिंपली इसका सॉल्यूशन करना है एंड इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हम ऑप्शन वाइज नहीं, हम इसे सॉल्व करते हैं, जो ऑप्शन में आएगा वो देख लेंगे। जैसे हमें कुछ नहीं कि 5.678 को हम अगर डिवाइड बाय
एक्स को डिवाइड बाई फोर, एक्स ने सिर्फ नंबर को ही 0.5678 को डिवाइड कर लेते तो हमको मिलता है 10। इसलिए हमको 10 आर इधर भी 10 है, इन दोनों का मिलाकर ये 10 होता है। तो हमें इसी कंडीशन के तहत हम लिखेंगे, तो अभी मैं लिखता हूँ 5.678 डिवाइड बाई 0.5678 इज इक्वल टू 10 होता है। देन हम 5.678, अभी 5.67 है, मैं आपको इसको हमें इन तीन यहाँ पे अभी आप ध्यान रखिए कि अगर इजिक्वल में अगर 3 से ज़्यादा 4 अगर ऐसे इजिक्वल में कांस्टेंट दिया गया है तो हमको कांस्टेंट नंबर या फिर कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे रखना होता है। जैसे कि 5.678 का वेरिएबल पावर में एक्स है तो इसको हम कांस्टेंट में 1/x ले लेते हैं। देन 0.5678 है रेस टू वाई इजिक्वल टू हम कॉन्स्टेंट 1/y, एक्स को उधर भेजने के बाद उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, वाई को उधर भेजने के बाद इसका रेसिप्रोकल 1/y, देन 10^z इजिक्वल टू k^1/z होगा। देन हमें इसी की तरफ कंडीशन हमें सॉल्व करनी है। मैंने बोला था इन दोनों का डिवाइड करने के बाद 10 आता है, तो हम इसको लिखेंगे कैसा, k^1/x डिवाइड बाई k^1/y इजिक्वल टू k^1/z ऐसा है। तो डिवाइड यहाँ पे बेस सेम है, देन हमको पावर में सबट्रैक्शन करना होगा, हम कर लेंगे k^1/x माइनस k^1/y इजिक्वल टू k^1/z। देन यहाँ पे इक्वल टू साइन में बेस सेम है तो पावर इक्वल बेस सेम तो पावर इक्वल सेम 1/x माइनस 1/y इजिक्वल टू 1/z। देन 1/x को हम माइनस 1/y, अगर वो प्लस में है तो इधर आकर माइनस में 1/z इजिक्वल टू कुछ इधर कुछ नहीं बोल गए 0। देन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमको टिक करना लेना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए रेस टू पी इज इक्वल बी एंड बी रेस टू ए इक्वल सी, सी रेस टू आर इज इक्वल टू ए दिए गए हमको। इसमें से कुछ एक पी देन पी क्यू आर इज हमें पी क्यू आर की वैल्यू ढूंढनी है। जैसे कि हमें ऑप्शन में दिए गए ए हमें दिया गया है तो 0, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू -1 एंड डी है नन ऑफ दिस। सो हमें उसमें ना कुछ ले लीजिए, मैं यहाँ पे बी रेस टू ए ये ऊपर भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू सी ऐसा मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। देन हमें देखना है कि बी बी किसके इक्वल में है, बी यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू क्या है ए रेस टू पी हम लिख लेते हैं, ए बी की जगह हम ए रेस टू पी देन ऊपर एज इट इज ए को हम लिख लेंगे इज इक्वल टू सी। देन हम देखना है कि ए किसके इक्वल में है, यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, ए एक वैल्यू है सी रेस टू आर, सी रेस टू हम लिख लेते हैं सी रेस टू आर पी एंड ए क्यू क्यू है सॉरी सॉरी पी क्यू है बी रेस टू क्यू है। देन हम लिख लेंगे इज इक्वल टू सी, हम इसको सिक्वेंस में लगा लेते हैं पी क्यू आर इज इक्वल टू सी, सी रेस की कुछ भी नहीं है यानी कि 1। अभी यहाँ पे बेस सेम है तो पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 3^2 4^4 5^2 देन 2^3 -1 -1 5^5 हमें दिया गया, इसलिए हमने लिख लिया 3^2 10^4 5^2 2^3 -1 -1 3^+1 देन 3^5 हम लिख लेने के बाद इसको 3^9 10^4 यानी कि हम लिख लेंगे 10^4000 होगा जरा 3 4 है तो हमें 1 2 3 0 और लगा देने का है, 4 0 हो जाएगा इंटू 25 डिवाइड बाई 2^3 5 का 5 में अगर करना है तो आपको कैलकुलेटर या फिर आप साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इजिक्वल 25 3 1 2 5। देन इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा 22,50,000 आ जाएगा। जैसे हम कुछ नहीं अकाउंट का सब्जेक्ट नहीं तो हम 22,50,000 लिख लेते हैं। देन डिवाइड बाय 75,000 देन 3030 गेट कैंसिल इजिक्वल 75 डिवाइड 2250 डिवाइड बाई 75 30। देन ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगली तरफ बढ़ते हैं। जैसे एस रेस टू 1/n इज इक्वल टू रेस टू एम 1/m इज इक्वल जेड रेस टू 1/n दिया गया एंड कंडीशन दी गई है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। देन फाइंड करना है देन एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या आता है, तो हम कर देते हैं एक्स रेस टू 1/l है तो इसे हम अभी मैंने पिछले बार बताया तीन अगर वेरिएबल कुछ नंबर हो तो इसको इज इक्वल टू होता है तो इनको हम कॉन्स्टेंट में गिनते तो के रेस टू 1/l इधर होने के बाद रेसिप्रोकल के रेस टू एल आ जाएगा। देन हम वाई इज इक्वल टू 1/m है इज इक्वल टू के रेस टू एम आ जाएगा एंड जेड रेस टू 1/n है देन के रेस टू एन आ जाएगा।
देन हमें सिंपल से एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन, यहाँ पे कंडीशन दी गई है इसको हम दोहराएंगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन, देन एक्स की जगह हम लिख लेते हैं के रेस टू एल इंटू के रेस टू एम इंटू के रेस टू एन इज इक्वल टू वन। देन आपको कुछ नहीं, यहाँ पे भी हमें कुछ यहाँ पे बेस सेम है तो पावर में एडिशन कर लेंगे, के रेस टू एल प्लस एम प्लस एन। एंड इधर हमें भी बेस सेम लाने के लिए, पावर को इक्वेट करने के लिए हमको बेस यहाँ पे भी सेम लाना पड़ेगा, देन के रेस टू जीरो, के रेस टू जीरो इज वन होता है, हम वन को के रेस टू जीरो भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लेंगे, एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, हम आंसर मिल गया है एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, डे ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर अगली तरफ बढ़ते, तो वन बाय वन प्लस ए रेस टू वाई माइनस एक्स दिया गया है, प्लस वन रेस टू वन प्लस ए रेस टू एक्स माइनस वाई दिया गया है, देन हमको सिमिली इसको करना है, ए रेस टू वाई माइनस एक्स रेस टू, हम ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, वन प्लस ए रेस टू वाई डिवाइड बाई ए रेस टू एक्स लिख लेंगे, देन प्लस वन रेस टू वन बाय वन प्लस ए रेस टू एक्स डिवाइड बाई ए रेस टू वाई हम लिख लेंगे। देन आपको कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है इन दोनों का, वन बाय ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई डिवाइड बाई ए रेस टू एक्स, देन वन बाय ए वन प्लस हम ए रेस टू वाई, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिसीव कर लेना है, ए रेस टू वाई प्लस ए रेस टू एक्स देन ए रेस टू वाई हमें लिख लेंगे, बाद में इसको ए रेस टू एक्स को ऊपर भेजेंगे, ए रेस टू एक्स डिवाइड बाई ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई, देन प्लस ए रेस टू वाई को ऊपर भेज देंगे, ए रेस टू वाई डिवाइड बाई ए रेस टू वाई प्लस ए रेस टू एक्स। देन अभी लिख लेते हैं जैसे कि हम लिखेंगे, अभी बेस सेम है दोनों का, ये बेस सेम है तो हम पावर का अभी ऊपर का भी एडिशन कर लेंगे, ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई, ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई, अभी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। देन ऑप्शन हमें कुछ नहीं, वन मस्त है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है इफ एक्स टू रेस टू एक्स प्लस टू रेस टू एक्स प्लस वन प्लस टू रेस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, देन एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो आपको ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ऑप्शन में जो दिए गए उसको एक्स की जगह हम पुट कर लेंगे। जैसे ये वन अगर मैं पुट करता हूँ, टू रेस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स प्लस टू उसका स्क्वायर फोर प्लस वन प्लस सी टू का एट, ये नहीं आएगा गाइस मेरे ख्याल से, ये नहीं आएगा, आप बाद में सॉल्व करके देख लेना। देन हम टू रेस टू टू देख लेंगे, टू रेस टू फोर प्लस टू का क्यूब एट प्लस टू फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन का भी 56 नहीं आएगा, देन माइनस टू तो आ सकता, आ नहीं सकता। देन हम डी थ्री 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 लगा के देखते हैं एक बार, तो टू रेस टू थ्री प्लस टू रेस टू एक थ्री प्लस वन प्लस टू रेस टू थ्री प्लस टू इज इक्वल टू 56 आ सकता है, मेरे लगता तो ऐसा ही है, देखते हैं। टू रेस का क्यूब एट प्लस टू थ्री प्लस वन एट सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस थ्री फोर फाइव सिक्सटीन, 32 इज इक्वल टू 56, देन एट प्लस सिक्सटीन प्लस 32 56 इज इक्वल टू 56, तो वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। आपको सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन था डी, अब मैं ऐसी जगह थ्री पुट कर लेना था, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप कॉमन सेंस लगाइए ना कि उसके सॉल्व कीजिए। टू एक्स प्लस वन प्लस फाइव रिस टू एक्स वन इसी दिया है, फाइव रिस टू एक्स इंटू फाइव रिस टू वन हम अलग से कर सकते हैं, जब पावर में एडिशन हो इंटू या फिर डिवीजन होता है ऐसे नहीं कर सकते। देन प्लस फाइव रिस टू एक्स इंटू फाइव रिस टू माइनस वन इज इक्वल टू 26, देन फाइव रिस टू एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, फाइव रिस टू एक्स डिवाइड बाई फाइव प्लस फाइव रिस टू माइनस वन इज इक्वल टू 26, देन फाइव रिस टू एक्स हम इंटू फाइव रिस टू फाइव प्लस फाइव रिस टू माइनस वन है इसलिए हम इसे फाइव वन बाई फाइव लिख सकते हैं, 26 इज इक्वल टू, देन हमको फाइव रिस टू एक्स इंटू फाइव फाइव 25 क्रॉस में 25 प्लस वन 26 डिवाइड बाई फाइव लिख लेंगे, देन इज इक्वल टू 26 लिखेंगे, देन फाइव रिस टू एक्स इज इक्वल टू 26 इंटू, इधर इंटू में है इधर जाने के बाद रेसिपी को कॉल होगा एंड फाइव बाई 26 होगा, देन 26 26 के आंसर, देन फाइव रिस टू अभी यहाँ पे फाइव रिस टू एक्स इज इक्वल टू फाइव, फाइव बेस सेम है और मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी।